नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मार्च, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ने कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किस कानून के तहत प्रदेश के 6 MLA की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है और इसी अनस्टेबिलिटी के बीच हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के 6 MLA जिनमें धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी से श्री सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से श्री रवि ठाकुर, सुजानपुर से श्री राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और गगरेट कंस्टिट्यूएंसी से चैतन्य शर्मा और कुटलहड़ कंस्टिट्यूएंसी से दविंदर कुमार भुट्टो सहित 6 MLA की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब इनकी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत MLA शिप जा चुकी है। दोस्तों जय एंटी डिफेक्शन लॉ सरकार द्वारा सन 1985 में बूंजा में संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और इसको भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल में रखा गया है। दोस्तों अगर बात की जाए एंटी डिफेक्शन लॉ की, जिसे हिंदी में दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इस कानून के तहत दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जन प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है ताकि संसद और विधानसभा की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि इस कानून के तहत दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य करार दिया जा सकता है। और हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, जहां स्पीकर महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के 6 MLA की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्पीकर महोदय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर इन MLA को सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की राहत मिलती है तब तो ठीक है, अदरवाइज इन 6 सीटों पे उपचुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस प्रोजेक्ट के तहत जिला बिलासपुर के महरी काथला में 25,000 माल्टा, संतरा और मसम्मी के पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब है HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत। दोस्तों हाल ही में महरी काथला के अंतर्गत सामूहिक बागवानी में लगभग 450 बीघा में क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 150 किसान बागवानों के खेतों में 25,000 के करीब उच्च श्रेणी के माल्टा, संतरा और मौसमी के पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों HP शिवा प्रोजेक्ट भारत सरकार, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को फल राज्य बनाने पर 7 जिलों में 1,292 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना को जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट का काम 2 फेसेस में किया जाएगा। पहले फेस में इन जिलों के तकरीबन 4,000 हेक्टेयर भूमि में फलदार पौधे रोपे जाएंगे और दूसरे फेस में बची हुई 2,000 हेक्टेयर भूमि में फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 6,000 हेक्टेयर भूमि में तकरीबन 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे, जिनमें संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम और पलम को शामिल किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो की है कि हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र द्वारा भेड़ की किस नई किस्म को तैयार किया जा रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों को मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है अविशान भेड़ का। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल रिसर्च बूल इंस्टीट्यूट द्वारा अविशान नाम की भेड़ की नई नस्ल तैयार की जा रही है, जिसे हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों के भेड़ पालकों को काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि अविशान भेड़ एक साथ 3 से 4 बच्चे पैदा कर सकती है। इसके अलावा इसमें ऊन और मांस की मात्रा भी 40% अधिक होती है। ऐसे में भेड़ पालक अगर अविशान भेड़ पालते हैं
तो उनको 3 से 4 गुना अधिक आय हो सकती है। उत्तम गुणवत्ता वाली इस भेड़ की डिमांड हिमाचल सहित हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में भी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।